हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, जेकेएसएसबी की साइड से एक और बिग अपडेट आया है। जो भी अपकमिंग एग्जाम जेकेएसएसबी लेने वाला है उसके लिए इन्होंने एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है। कौन कौन से एग्जाम है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज ही इनका एक नोटिस आया था जिसके अंदर इन्होंने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्टें थी उन पोस्टों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला था अभी अप्रैल में, उसको इन्होंने जो है पोस्टपोन किया था। और इन एग्ज़ाम्स के लिए भी इन्होंने बताया है कि ये एग्ज़ाम कब कब ये जेकेएसएसबी लेने वाला है। तो आइए इस पीडीएफ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और साथ में ये सारी पीडीएफ हमने जो है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर लिए है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके जो है वो देख सकते हो। तो ये इनका नोटिस जो है आज ही आया है और इसमें इन्होंने जो जो मेन मेन एग्ज़ाम्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और साथ में ही आप अगर डिटेल में इन सब एग्ज़ाम को देखना चाहते हो तो पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इनका जो पहला एग्ज़ाम है जे 18 मई के लिए जो बोल रहे हैं, जहाँ पे सैरी सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे की है, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस के लिए भी बताया है और नीचे इन्होंने एनेक्सर दिया है, जैसे ये वाले एनेक्सर आप देख सकते हो। तो कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब होने वाला है, तो मेनली हम जो आज इनने जो पोस्टपोन के लिए नोटिस निकाला था जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को इन्होंने पोस्टपोन किया है। बाकी भी जिन जिन पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से जो डेट ऑफ एग्जाम भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डेट ऑफ एग्जाम जो कब होंगे, और साथ में इन्होंने सिलेबस के लिए भी दिया है। तो पूरी पीडीएफ में आपको सिलेबस भी जो है नीचे मिल जाएगा। तो आइए मेन एग्जाम्स को देखते हैं जो इन्होंने आज ही जैसे जिनको पोस्टपोन किया है। तो बाकी जो आपने अगर किसी इनमें से कोई पोस्ट के लिए आपने भरा है तो आप अपने हिसाब से उसे देख सकते हो। तो आगे जो हम देखते हैं यहाँ पे मेन वेटनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है ये कब लेने वाले हैं, ये वाला जो एग्ज़ाम है, तो ये जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं 29 मई को ये एग्ज़ाम होगा और AI इसका एनेक्सर है, नीचे आप इस एनेक्सर को जाके देख सकते हो। साथ में इसके साथ ही ये वाला जो वेटनरी फार्मासिस्ट के साथ साथ एक और एग्ज़ाम इनका जो है वो स्टॉक असिस्टेंट का है, वो भी कब लेने वाले हैं। तो साथ में ये भी इन्होंने बताया है यहाँ कि जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो भी इसके साथ ही होने वाला है। तो ये भी इन्होंने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पोस्टें हैं कितनी कितनी पोस्टें हैं वो भी साथ में बताया है, डेट ऑफ एग्ज़ाम भी बताया है और साथ में सिलेबस के बारे में भी बताया है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो है उसको भी देखते हैं जो वो एग्ज़ाम कब होने वाला है, जो स्टॉक असिस्टेंट के साथ साथ जो बाकी वाले जो एग्ज़ाम हैं ये भी इन्होंने शेड्यूल किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, जो यूटी कैडर की पोस्टें थी, 18 पोस्टें हैं ये, और ये 12 जून को ये वाला एग्ज़ाम जो है ये लेंगे। AH एनेक्सर जो नीचे दिया है उसके अंदर इन्होंने सिलेबस में ये बताया कि क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही है जो पहले था इनका, कुछ मुझे लगता है कि कुछ चेंजिंग उसमें नहीं है, बट फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो जाना सिलेबस से। और साथ में बाकी वाले जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है ये यूटी कैडर की 2 पोस्टें हैं और डिवीज़न कैडर जम्मू में 48 है और डिवीज़न कैडर कश्मीर में जो है 12 पोस्टें हैं। और ये वाला जो एग्ज़ाम है ये 26 जून को लेने वाले हैं और इसका एनेक्सर जो है AX करके इन्होंने बताया है कि ये नीचे वाला जो एनेक्सर आप वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कब है वो, उसमें क्या क्या दिया गया है सिलेबस के अंदर। बाकी जो है इनका जैसे मेन एग्ज़ाम पटवारी के लिए भी बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूज़न है कि वो कब होगा, तो इसमें उन्होंने वो भी शेड्यूल किया है। पटवारी का जो एग्ज़ाम है ये वाला, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की ये वाली पोस्टें हैं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी इन्होंने बताया है। और ये सारी जो है जिस 17 जुलाई को ये एग्ज़ाम होने वाला है और AK एनेक्सर जो है वहाँ पे इन्होंने सिलेबस बताया हुआ है। इसके साथ ही जो इलेक्शन असिस्टेंट हैं ये भी यूटी कैडर की पोस्टें हैं, 110 पोस्टें हैं और इसका एग्ज़ाम भी जो है वो 17 जुलाई को जो वाला एग्ज़ाम जो है वो लेंगे और ये भी एनेक्सर ए में इन्होंने सिलेबस के बारे में बताया है। तो नीचे देखते हैं ये जो सिलेबस है, अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जिस जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो वीडियो को पॉज करके और टेलीग्राम से इस पूरी पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड करके आप जो है सिलेबस को बाकी देख सकते हो। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और कंटेंट हमने बहुत सारा अपलोड किया है, जो बचता है तो वो भी हम आने वाले दिनों में अपलोड करेंगे। तो यही मेन इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो मुझे जरूरी लगा कि आप तक मैं पहुंचा दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।